सबसे पहले कांग्रेचुलेशन लव सोनिया, 14th ऑफ सितंबर को आ रही है, ह्यूज रिस्पांस मिल रहा है। चाहे हम ट्रेलर की बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा फिल्म गई थी, लोगों ने अप्रिसिएट किया था। जब भी फिल्म कोई आती है और आने से पहले इतनी सारी पॉजिटिविटी होती है, तो एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, क्या कुछ फीलिंग होती है आप लोगों की फिल्म को लेकर? सो ऑल ऑफ लेडीज, बेहद खुशी है कि इस फिल्म के ट्रेलर को इतना सराहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हर किसी तक पहुंचना चाहिए, और वी आर वेरी हैप्पी जिसके लिए हम सब ने हमारे डायरेक्टर ने कई साल खून पसीना बहाया है इसके लिए, और आई थिंक वी डिज़र्व ऑल द अप्रिसिएशन दैट वी आर गेटिंग, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। बहुत अच्छा लग रहा है कि ट्रेलर को जिस तरह का ऑडियंस ने रिस्पांस दिया है, ऐसे लग रहा है कि अब जो ये हमारी जो ऑडियंस है वो इस तरह के विषय के लिए, कंटेंट के लिए तैयार है। जिस तरह से ट्रेलर को इतना अच्छा रिस्पांस मिला है, अब तो लग रहा है कि इस पिक्चर को भी, और जिस तरह से हमने फिल्म बनाई है, जिस भावना से बनाई है, वो लोगों तक ज़रूर अच्छी तरह से पहुंचेगी। आई विश कि पहुंचेगी। मृणाल जी, डेब्यू मूवी के साथ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है, इतनी सारी चीज़ें हैपनिंग हो रही है, क्या टेक होता है आपका, क्या फीलिंग होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क एंड द ट्रेलर। अगर आप मुझे पूछेंगे फीलिंग के बारे में, सो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम नर्वस, क्योंकि वर्किंग विद एन अमेजिंग स्टार कास्ट एंड ऑलमोस्ट ऑल्सो मिस्टर रसल पकोटी, हु हिमसेल्फ इज एन अकेडमी अवार्ड विनर, तो इन लोगों के साथ काम करने का एक मज़ा ही अलग है, क्योंकि अपने साथ दे शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। और ये फिल्म सिर्फ मुंबई या इंडिया के लिए नहीं है, दिस फिल्म इज़ फॉर द इंटायर ग्लोब, फॉर द इंटायर नेशन। वी नीड टू नो व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वी नीड टू नो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वी नीड टू स्टॉप दैट, वी नीड टू रेज अ वॉइस। और फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए तो बनती है, लेकिन ऐसी भी फिल्में होना ज़रूरी है, क्योंकि पीपल नीड टू नो, हम जो रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ बबल, जहाँ पे हम सोचते हैं कि मुझे लग्जरी घर खरीदना है, या मुझे गुची या प्राडा के प्रोडक्ट्स पहनने हैं या खरीदने हैं, बट वी नीड टू फाइंड आउट कि लोगों की क्या हालत है, वॉट आर विमेन गोइंग थ्रू। एंड दिस थ्रू दिस फिल्म आपको दो बहनों की एक बहुत सुंदर केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, बिकॉज आई एम वेरी क्लोज टू माई सिस्टर, आई कुड रिलेट टू दिस फिल्म, और जब मैंने ऑडिशन दिया सो आई फेल्ट लाइक येस आई हैव टू डू दिस फिल्म। एंड एज एन एक्टर आपके पास वो प्रिविलेज होता है टू रेज अ वॉइस अगेंस्ट द गर्ल्स हु बीन ट्रैफिक्ड। सो मेनी गर्ल्स एवरी डे गेट ट्रैफिक्ड, कहाँ जाती है लड़कियाँ, क्या होता है उनके साथ, ये जानने के लिए वॉट अवेयरनेस नीड्स टू बी टेकन ऑफ, पीपल शुड वॉच दिस फिल्म। जी, मैं सोनिया का किरदार निभा रही हूँ लव सोनिया में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मेरे लिए, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, माई बेबी प्रोजेक्ट। होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेन यू डू द होमवर्क, वेन यू यू नो डू योर टेस्ट, अभी पता चलेगा कि मैं एग्जाम में पास हुई या फेल। थैंक यू सो मच, विद फ्लाइंग कलर्स लाइक साइज एंड लास्ट टाइम। सो हाँ जी, सो व्हाट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी वाज द वर्कशॉप्स। हम, मैं और रिया जो मेरी बहन प्ले कर रही है, हम सोनागाछी गए, वहाँ पर लड़कियों के साथ कुछ वक्त गुजारा। दे आर वेरी फुल ऑफ लाइफ, और बहुत ही नॉर्मल गर्ल है, देखने को देखा जाए तो दे आर वेरी नॉर्मल, बट अंदर ही अंदर उनकी क्या जर्नी है, व्हाट ऑल दे हैव गॉन थ्रू। दे ओपन्ड अप, बहुत टाइम लगा उनसे बातचीत करते वक्त, ओपन जब वो ओपन नहीं हो पा रही थी, सो वी थॉट कि वी टोल्ड देम कि यू नो हम ऐसी फिल्म बना रहे हैं जिनकी स्टोरी आपसे रिलेटेड, यू नो वी आर ट्राइंग टू मेक अ फिल्म जिससे लड़कियाँ इंस्पायर होगी, और अगर कोई, इफ़ समबडी इज़ फेसिंग अ प्रॉब्लम टू कोप अप विद लाइफ, कुछ कुछ लड़कियाँ आफ्टर दे गेट ट्रैफिक्ड और वो बच भी जाती है, सो दे एंड देयर लाइफ, बट दिस इज़ लाइक अ रे ऑफ होप, एंड वी आर ट्राइंग टू स्प्रेड दैट विद देम। सो दिस इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ दिस फिल्म। सही जी, आपके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। मैं अंजलि का किरदार निभा रही हूँ लव सोनिया में। अंजलि एक बहुत ही खतरनाक लड़की है जिसके साथ आप फ्रेंडशिप नहीं करना चाहोगे। ऐसा एजी और थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर मुझे
पहली बार कह सकते हैं आई गॉट टू प्ले अंजलि, और बड़ा ही मज़ा आया क्योंकि रियल लाइफ में मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और एंड इट इज़ नॉट एवरी डे दैट यू गेट टू प्ले सच कैरेक्टर्स. तो अंजलि एक बहुत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग औरत है जिससे आप मिलेंगे 14 सितंबर को. जी, रियल लाइफ में ऐसा कोई खतरनाक काम आप करती हैं जिससे सभी को दूर रहना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर या सारी दुनिया वालों को ऐसा लगे कि नहीं? ट्रोलर्स को रहना चाहिए दूर, क्योंकि मैं ट्रोल्स को बहुत ट्रोल करती हूँ. हाँ. और ट्रोल्स की जितनी औकात है उतनी औकात मैं उनको देती हूँ. तो आई थिंक हाँ, ट्रोलर्स को मुझसे बहुत ज़्यादा बच के रहना चाहिए. इस फिल्म के लिए तो और बचे नहीं, जिंदगी भर. क्या बात. शालिनी मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि लाइक आप चाहेंगे कि इस फिल्म को लेकर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं सभी साथ में आए, एंड खास करके ये मोदी के बारे में जानना चाहूँ, आप उनको ये आप लोग चाहेंगे कि ये फिल्म दिखाई जाए? डेफिनेटली अगर मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलता है तो मैं चाहूँगी कि हर कोई ये पिक्चर देखे जो उस हैसियत में है कि जो इन चीज़ों में डेफिनेटली कुछ कर सकते हैं, उन तक ये फिल्म पहुँचनी चाहिए. यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये जो इशू है वो अब एक पार्टी या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन संबंधित रहा है. ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे सिटीजन्स एनजीओज हैं जो कि इस विषय में काम कर रहे हैं, बट इसको अब आई थिंक वी नीड टू गिव इट अ बिगर प्लेटफॉर्म. अब इसमें हर किसी को इकट्ठा आके इस विषय पे काम करना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, चाहे वो ऑडियंस हो, चाहे वो सामान्य जनता हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी. बिल्कुल एंड सही जी. एंड मृणाल जी, अ ह्यूज स्टार कास्ट है इस फिल्म के साथ में, बहुत सारे लोग हैं, तो आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस सभी के साथ में, सभी का जितना, जैसा कि मैडम ने बताया कि अनुपम जी का अगर कैरेक्टर, मैं उनको अनुपम जी ने बल्कि उनके कैरेक्टर से देखूँ, आपका कैरेक्टर है बच के रहना, ये लड़की बहुत खतरनाक है, कुछ कर दे, तो बताइए कैसा रहा एक्सपीरियंस? मैजिकल एक्सपीरियंस था मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं, उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग फिल्मों में काम किया है, इंटरनेशनली काम कर चुके हैं, तो बहुत ही बढ़िया रहा एक्सपीरियंस, बहुत चीज़ें सीखने मिली, और आई कुड क्लोजली ऑब्जर्व पीपल आई अडोर एडमायर वर्शिप, तो बड़ा ही मज़ा आया. और हर एक की एनर्जी बहुत सेम लेवल पे थी, और इसीलिए हम 2 साल की तपश्चर्या के बाद आज इस मंथ ये फिल्म रिलीज होगी, और आई थिंक एवरीबॉडीज एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल, और वो एनर्जी ऑडियंस तक पहुँचे, ये मैं चाहती हूँ. जी, आई एम वेरी ग्लैड टू वर्क विद सच अमेजिंग स्टार कास्ट. हर लड़की को इतना अच्छा कैरेक्टर और इतने बेहतरीन कलाकारों के साथ परफॉर्म करने नहीं मिलता है, बट आई एम ग्लैड दैट आई हैड दैट प्रिविलेज टू शेयर माई स्क्रीन स्पेस विद लाइक द बेस्ट एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी, एंड स्पेशली नॉट जस्ट दैट बट डेमी मोर एंड मार्क ड्यूप्लास, इन दोनों के साथ भी जब व्हेन आई शेयर माई स्क्रीन स्पेस एंड आई फेल्ट रियली गुड, क्योंकि वेरी हम्बल पीपल दे आर. एंड मोर देन एनीथिंग, बचपन में मैं सोचती थी कि ए आर रहमान सर के गाने पे मैं डांस करूँगी, बट फॉर्चुनेटली आई नेवर थॉट कि दैट वुड हैपन, बट इन दिस फिल्म वी हैव मिस्टर ए आर रहमान कंपोजिंग अ सॉन्ग विद बिशप ब्रिक, शी इज अगेन एन इंटरनेशनल सिंगर, सो आई फील लाइक समथिंग दैट आई हैव नेवर आस्क्ड फॉर आई एम गेटिंग इट, बट इट्स ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टेशन. You know, dreams always do come true, and my is certainly coming true. Thanks to the entire cast and crew, my producers, my director, and my family, because unke support ke alawa itna heavy role play karna was not easy. So, dekh lijiye, aap pehli film ke saath mein itni saari cheeze happening ho rahi hai. Aap kuch kehna chahte hain? Nahin, bas 14 September. Okay, so 14th of September ko film aa rahi hai. One by one. Okay. Ready? Aapke saath kar? Madam, aapke saath kar? Ji. 14 सितंबर को लव सोनिया रिलीज़ हो रही है, प्लीज़ थिएटर्स में जाकर देखिए, इस इशू को आपकी ज़रूरत है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स. 14 सितंबर को हमारी बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है लव सोनिया, बाकी फिल्मों से थोड़ी हटके हैं,
आप जरूर जाके देख सकते हैं थिएटर्स में. वुमेन पावर साथ में एक मैच. यस साथ में क्या बोले वुमेन पावर आपको 14 सितंबर को देखने को. ठीक है ओके So you're going to watch a powerful film where a lot of women actresses are playing the... So this is a film where a lot of super women, Wonder Women are going to be there with more power and... I think we should just say watch our film with lot of 14 September. The woman power. It's a व्यवस्थित statement का है. Watch woman power come to life on 14 September. Watch woman power come to life. Okay. Ready? Watch woman. 14 September, I think we should all say together. Yeah. Watch Women Power on 14th of September in theatres. Only near in you. Theatres. 14th September. Women Power. Women Power. Kitni baar bola. Thank you, Ji. Thank you. Signing up. Kya baat hai? Signing wale. Nahi kuch. Hamara team aisa wala hai jo har level pe bahut sare log comfortable feel hota hai. Kya karna hai? But I think it's time to give it a little lighter. Otherwise, we are talking very heavy stuff. I think we should give it a little lighter. People should not feel awed by it. That's what I'm saying. It's a film about two girls that feel obviously That's why I keep saying it's a story of a hero. Aapne shuru kar diya na, hum candid shots kar rahe hain.